हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडू मिशन। आज मैं आप सबको रीजनिंग के चैप्टर सिलोगिज्म को एकदम ट्रिकी वे में पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर से लगभग सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या रेलवे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, इससे लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में तो इससे 2 मार्क्स से क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं, रेलवे में भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सिलोगिज्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले लिखा हुआ है सभी ए बी है, इसका इंग्लिश होता है ऑल ए आर बी। जब भी सिलोगिज्म को स्टेटमेंट का शुरुआत स्टार्टिंग अगर ए से अगर हो, तो जो स्टार्टिंग में है उसको 100 मानेंगे। सभी से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं उसके जो जस्ट बाद में है वो 100, और उसके बाद वाला को मानेंगे हम 50। वैसे ही इंग्लिश में अगर उसको देखा जाए तो ऑल ए आर बी, तो ऑल के जस्ट बाद जो होगा वो हो गया 100, और उसके बाद वाला 50। वैसे ही जैसे है कुछ ए बी है, इसका इंग्लिश है सम ए आर बी। जब भी कोई स्टेटमेंट अगर कुछ से स्टार्ट हो, तो कुछ के जो बाद वाला है, जस्ट बाद वाला, उसको 50 मानेंगे, और उसके बाद वाला उसको भी 50 मानेंगे। वैसे ही सम ए आर बी, सम के बाद वाला जो है उसको भी 50 मानेंगे, और इसको भी 50 मानेंगे। अब तीसरा स्टेटमेंट जैसे है कुछ ए बी नहीं है, तो जब भी कुछ से स्टार्ट है इसका मतलब वो 50 हो गया, और जिस पार्ट से नहीं जुड़ा हुआ है वो हो जाता है 100। वैसे ही सम ए इज नॉट बी, तो सम से स्टार्ट जो हुआ वो हो गया 50, और जिसके साथ नॉट लगा हुआ है वो हो गया 100। ऐसे ही इसमें भी कोई ए बी नहीं है, कोई के साथ जो लगा हुआ है उसको वो हो जाएगा 100, और जिसके साथ नॉट लगा हुआ है वो भी हो जाएगा 100। ऐसे इंग्लिश में भी नो ए आर बी, यहाँ भी 100, इसमें भी 100। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 150 का रिलेशन बताया गया है। इसका बताने का एक कारण है, एक ही तात्पर्य इसका निकलता है। जैसे कि जब कभी भी, एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी 100 और 50 का रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब कि वो कंक्लूजन सही होगा। अगर 50 और 100 का रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब है वो भी कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। और जब कभी 100-100 का बनेगा, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा हमेशा। और अगर इसका रिलेशन 50-50 का अगर बने, तो वो हो जाता है गलत। इसका ओवरऑल इसका कंक्लूजन एक ही निकला। जैसे कि 150 है, इसका सम कितना है 150, इसका सम 150 हो या 200 हो, ये दोनों अगर रहा तो ये सही है, और 50-50 का मतलब हो गया 100-100 रहा तो उसका मतलब गलत है। कितना समझ में आया। अब इसके टाइप वन पे चलते हैं, इसके एग्जांपल पे। पहला टाइप आप देख सकते हैं, ये है। जैसे कि लिखा हुआ है सभी रेड ब्लैक है, मतलब ऑल रेड आर ब्लैक, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सभी ब्लैक ब्लू हैं, ऑल ब्लैक आर ब्लू। फिर है कुछ ब्लू ग्रीन है, सम ब्लू आर ग्रीन। सभी रेड ब्लू है, ये सब कंक्लूजन निकला, ऑल रेड आर ब्लू। सभी ब्लैक ग्रीन है, ऑल ब्लैक आर ग्रीन। अब हम चलते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि जब कभी भी सभी से स्टार्ट हो, तो वो स्टार्टिंग क्या होता है 100 से होता है, और उसके बाद वाला 50 हो जाता है। वैसे ही इंग्लिश में अगर देखें तो ऑल रेड आर ब्लैक, तो ऑल्स के साथ जो पार्ट लगा हुआ है वो 100 हो गया, और जो ब्लैक के साथ है वो 50 हो गया। वैसे ही सभी ब्लैक ब्लू है, तो यहाँ भी सभी के साथ ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया 100, और ये हो गया 50। ऐसे ही ऑल ब्लैक आर ब्लू, ऑल के साथ जो पार्ट लगा हुआ है वो हो गया 100, और ब्लू के ये हो गया 50।
वैसे ही कुछ ब्लू ग्रीन है, तो कुछ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ से जो स्टार्टिंग होता है सेंटेंस ये स्टेटमेंट का, तो कुछ से जो स्टार्ट होगा वो हो जाता है 50 और ये बाद वाला भी 50। यहाँ है सम ब्लू आर ग्रीन, तो यहाँ ये कुछ का मतलब इंग्लिश में सम होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 50। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते कंक्लूजन पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सभी रेड ब्लू है, मीन्स ऑल रेड आर ब्लू। हम पहले देखेंगे कि इस कंक्लूजन में रेड और ब्लू है, तो स्टेटमेंट पर जाकर देखेंगे कि रेड कहाँ है और ब्लू कहाँ है। तो हम देख सकते हैं कि रेड यहाँ है और ब्लू यहाँ है, रेड यहाँ ब्लू यहाँ। अब दोनों को एक साथ जोड़ने वाला एक कॉमन मीडिएटर हम चेक करेंगे, जैसे कि सभी रेड ब्लैक है और सभी ब्लैक ब्लू है, तो रेड यहाँ ब्लू यहाँ, तो इस दोनों को जो जोड़ रहा है वो कौन सा पार्ट है, ब्लैक पार्ट है, तो ब्लैक का वैल्यू हम चेक करेंगे। यहाँ ब्लैक है 50, यहाँ है 100, तो 150 का रिलेशन बना। तो 150 का रिलेशन आपको मैंने पहले ही बताया था कि 150 का, मैंने आपको पहले बताया कि 150 का रिलेशन सही होता है, 50-100 का रिलेशन सही होता है, 100-100 का रिलेशन सही होता है, और कभी 50-50 का रिलेशन है तो वो गलत होता है, मैंने आपको पहले बताया ये। अब हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि, तो यहाँ पर 50-150 का रिलेशन बन रहा, तो मतलब क्या हो कि ये जो कंक्लूजन हो गया ये सही हो गया। अब जैसे कि सभी ब्लैक ग्रीन है, सभी ब्लैक क्या है, ग्रीन है, तो सभी ब्लैक ग्रीन है, तो सभी ब्लैक ग्रीन है, तो देखेंगे हम कि ब्लैक कहाँ है और ग्रीन कहाँ है, तो ब्लैक यहाँ है और ग्रीन यहाँ है, तो इस दोनों को जोड़ने वाला कौन एक कॉमन मीडिएटर है, ये ब्लू है। तो अब देखेंगे दोनों का वैल्यू क्या है, ब्लू 50 है, ये भी ब्लू 50 है, दोनों 50-50 का रिलेशन बना रहा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ कि 50-50 का जो रिलेशन होता है वो गलत होता है, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, मीन्स कंक्लूजन ये गलत हो गया। इतना समय ये हुआ हमारा टाइप वन। इससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाती हूँ, जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, ऐसे स्टेटमेंट है सभी मैथ फिजिक्स है, क्या है, सभी मैथ फिजिक्स है, तो हमने पहले आपको बताया था कि सभी से जो भी स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 100 और ये दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 50, ठीक है। वैसे ही हम देख सकते हैं ऑल, यहाँ ऑल से जुड़ा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 50। अब दूसरा देखते हैं सभी फिजिक्स बायो है, सभी से जुड़ा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा ये 100 और दूसरा पार्ट 50, ऑल फिजिक्स आर बायो, तो ऑल के साथ जुड़ा हुआ हो गया 100, ये हो गया 50। सभी बायो इंग्लिश है, सभी के साथ है तो ये 100, ये भी हो गया 50। फिर ऑल बायो आर इंग्लिश, तो ऑल बायो ऑल के साथ जुड़ा हुआ 100 और इंग्लिश के साथ ये हो गया 50। कुछ इंग्लिश रीजनिंग है, कुछ के साथ जुड़ा हुआ पार्ट जो होता है वो 50, ये भी 50। वैसे सम इंग्लिश इज रीजनिंग, सम से जुड़ा हुआ पार्ट 50, ये भी 50। सभी रीजनिंग हिंदी है, सभी के साथ जुड़ा हुआ पार्ट क्या हो गया 100, ये भी हो गया 50। ऑल रीजनिंग आर हिंदी, तो ऑल के साथ जुड़ा हुआ पार्ट 100, ये हो गया 50। कुछ हिंदी जीएस है, हिंदी कुछ के साथ जुड़ा हुआ है मतलब 50, ये भी 50। यहाँ सम हिंदी इज जीएस, हिंदी क्या हो जाएगा सम, ये भी 50, ये भी 50। ये रहा हमारा स्टेटमेंट। अब आगे चलते हैं हम इसके कंक्लूजन पे, अब चेक करेंगे कि ये कंक्लूजन सही है कि नहीं इस स्टेटमेंट के बेस पे। तो पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सभी मैथ बायो है, सभी मैथ बायो है, मतलब ऑल मैथ आर बायो। तो देखेंगे हम अब इस जहाँ कंक्लूजन देख लिए सभी मैथ बायो है, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में जाके मैथ और बायो को देखेंगे, मैथ और बायो का पोजीशन कहाँ है। तो हम देखें यहाँ पे कि मैथ यहाँ है और बायो यहाँ है,
ठीक है, मैथ यहाँ, बायो यहाँ। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे कि मैथ बायो को तो पोजीशन हम देख लिए हैं, अब देखें कि इस दोनों को जोड़ने वाला कॉमन मीडिएटर कौन है। कॉमन मीडिएटर यहाँ कौन सा है? फिजिक्स। यहाँ भी फिजिक्स है, यहाँ भी फिजिक्स है। अब जब कॉमन मीडिएटर जब हम देख लिए, दोनों का वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ 100, यहाँ 50, तो 150 का रिलेशन बन रहा है। तो 150 का रिलेशन क्या होता है? वो सही होता है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा कंक्लूजन है वो सही हो गया। समझ में आया? अब आगे देखते हैं दूसरा कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है? सभी फिजिक्स इंग्लिश है। क्या है? सभी फिजिक्स इंग्लिश है। अब कंक्लूजन में फिजिक्स और इंग्लिश है। अब हम पहला काम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पर जाके फिजिक्स और इंग्लिश देखेंगे कहाँ है। तो हम देखें स्टेटमेंट में जाके, फिजिक्स यहाँ है और इंग्लिश यहाँ है, फिजिक्स यहाँ, इंग्लिश यहाँ। अब दोनों को जोड़ने वाला कॉमन मीडिएटर सर्च करेंगे। तो कॉमन मीडिएटर कौन है इसमें? बायो। बायो इसमें भी बायो है, इसमें भी बायो है। इस बायो फिजिक्स से भी जुड़ा हुआ है, बायो इंग्लिश से भी जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया कॉमन मीडिएटर। कॉमन मीडिएटर अब इसका क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे। तो इस यहाँ पे बायो का वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100 है, तो 150 का रिलेशन बन रहा है। तो 150 का रिलेशन सही होता है। तो ये भी आपका कंक्लूजन सही हो गया। अब देखते हैं तीसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। तीसरा कंक्लूजन क्या है? सभी बायो रीजनिंग है। क्या है? सभी बायो रीजनिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहले हम स्टेटमेंट में जाके बायो और रीजनिंग को देखेंगे कि कहाँ है ये। तो बायो यहाँ है और रीजनिंग यहाँ है। तो बायो यहाँ है, रीजनिंग यहाँ है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि दोनों को जोड़ने वाला कॉमन मीडिएटर देखना है। जैसे कि इसमें दिखा हुआ इंग्लिश, इसमें भी इंग्लिश है, इसमें भी इंग्लिश है। मतलब इंग्लिश इसमें बायो के साथ भी जुड़ा हुआ है और इंग्लिश इसमें रीजनिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बायो इंग्लिश दोनों में कॉमन मीडिएटर हो गया। हम देख लिए कि कॉमन मीडिएटर हमारा इंग्लिश है। अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू चेक करेंगे। ये 50 है, ये भी 50 है। तो 50-50 का रिलेशन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50-50 का जो रिलेशन होगा वो गलत होगा। तो ये आपका तीसरा कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलते हैं चौथे पे। चौथा क्या है? सभी रीजनिंग GS है, मीन्स ऑल रीजनिंग आर GS। सभी रीजनिंग GS है। तो पहला काम हमें क्या करना है, रीजनिंग देखेंगे और GS देखेंगे कहाँ है, किस पोजीशन पे है। तो रीजनिंग यहाँ हम देखें और GS भी यहाँ देखें। तो रीजनिंग यहाँ है, GS यहाँ है। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, दोनों को कॉमन मीडिएटर ढूंढना होगा। तो कॉमन मीडिएटर क्या है यहाँ पे? हिंदी, इसमें भी हिंदी। मतलब हिंदी रीजनिंग को भी जोड़ा हुआ है और हिंदी GS को भी जोड़ा हुआ है। तो हम कॉमन मीडिएटर देख लिए कि इसमें क्या है, हिंदी है। अब हमें क्या करना है, दोनों का वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ हिंदी का वैल्यू 50, यहाँ भी हिंदी का वैल्यू 50। तो 50-50 का रिलेशन बन रहा है। तो 50-50 का रिलेशन जो होता है वो गलत होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब चलते हैं पांचवे क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है? सभी मैथ इंग्लिश है, सभी मैथ इंग्लिश है। तो पहला काम हमको क्या करना है, मैथ और इंग्लिश का पोजीशन देखना है हमको। जैसे कि यहाँ देखिए स्टेटमेंट में, मैथ हमारा यहाँ है और इंग्लिश हमारा यहाँ है। आप देख सकते हैं कि इस दोनों को जोड़ने के दौरान एक स्टेटमेंट बीच में और आ रहा है, ये स्टेटमेंट। अब हमको लेकिन मैथ और इंग्लिश का एक मीडिएटर, कॉमन मीडिएटर देखना है। तो कॉमन मीडिएटर के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे मैथ यहाँ है, इंग्लिश यहाँ है, इस दोनों को जोड़ने के लिए, जो आने के लिए पहले हमको ये स्टेटमेंट को क्रॉस करना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट आने के दौरान फिजिक्स मिल रहा है और बायो मिल रहा है। तो इस दोनों स्टेटमेंट में पहले कॉमन क्या है हम लोग का, फिजिक्स है। तो फिजिक्स का वैल्यू, जैसे कि आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ, जैसे कि यहाँ मैथ्स है, यहाँ इंग्लिश है, ठीक, मैथ्स है और इंग्लिश है। तो इस दोनों का हमको कॉमन मीडिएटर देखना है। तो इसको कॉमन मीडिएटर देखने के लिए हमको इस स्टेटमेंट से गुजरना होगा। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, पहले इस दोनों स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन मीडिएटर क्या है। तो जैसे कि मैथ है, यहाँ बायो है, तो इस दोनों का कॉमन मीडिएटर फिजिक्स है। तो फिजिक्स का वैल्यू क्या है, 100 है, 50 है। तो 150 का रिलेशन क्या होता है, सही होता है।
मतलब हमारा ये मीडिएटर जो है वो सही है। अब आगे चेक करते हैं इस दोनों में जैसे कि फिजिक्स है यहाँ इंग्लिश है, इस दोनों का मीडिएटर हमारा क्या है, बायो। तो बायो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, ये भी 150 का रिलेशन बना रहा है, मतलब ये भी सही है। मतलब इस दौरान से हमको इस दौरान आने में दो मीडिएटर चेक करना होगा, एक ये मीडिएटर हो गया फिजिक्स हमारा, एक हो गया बायो, ये भी 150 का रिलेशन बना रहा है और ये भी 150 का रिलेशन बना रहा है। मतलब क्या हुआ, ओवरऑल हमारा ये कंक्लूजन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा है, सभी फिजिक्स रीजनिंग है, क्या है, सभी फिजिक्स रीजनिंग है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, फिजिक्स और रीजनिंग का पोजीशन देखेंगे हम, फिजिक्स और रीजनिंग का पोजीशन। फिजिक्स हमारा कहाँ है, यहाँ फिजिक्स है हमारा, और रीजनिंग कहाँ है, यहाँ है। अब पहले की तरह ही इसमें फिर देखना होगा हमें, फिजिक्स यहाँ, रीजनिंग यहाँ, इसके यहाँ से यहाँ तक आने में हमें ये स्टेटमेंट को क्रॉस करना है, इसलिए पहले हम इस दोनों स्टेटमेंट में चेक करेंगे। ऐसे इस दोनों स्टेटमेंट में कॉमन मीडिएटर हमारा क्या है, ये बायोलॉजी है। तो बायो का यहाँ वैल्यू क्या है, 100, यहाँ 50, तो 150 का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो 150 का रिलेशन सही है, मतलब ये हमारा जो मीडिएटर है बायो वो सही है। अब आगे चेक करते हैं इस दो स्टेटमेंट पे, क्या है, सभी बायो इंग्लिश है और कुछ इंग्लिश रीजनिंग है। तो हम देखेंगे बायो और रीजनिंग, इस दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन मीडिएटर है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बायो को भी जोड़े हुए है और इंग्लिश रीजनिंग को भी जोड़े हुए है। तो अब हम देख लें कि कॉमन मीडिएटर इंग्लिश है, अब इसका वैल्यू चेक करते हैं। तो वैल्यूज का देखें यहाँ पे हम, 50 है, ये भी 50 है, तो 50-50 का रिलेशन बना रहा है, मतलब 50-50 का रिलेशन गलत होता है। तो मतलब ये निकला, ये कंक्लूजन हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ तो हम देखें कि 150 का ये रिलेशन है तो सही निकला, लेकिन यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको क्या करना, ये भी मीडिएटर मेरा सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। अगर एक भी गलत हो गया तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो ये 150 का रिलेशन सही था, ये 50-50 का गलत निकल गया, इसलिए ओवरऑल क्या हुआ, ये कंक्लूजन जो हमारा है वो गलत हो गया। अब चलते हैं अगले कंक्लूजन पे। अगला कंक्लूजन हमारा क्या है, सभी बायो हिंदी हैं, क्या है, सभी बायो हिंदी हैं। अब हमको पहला काम क्या करना है, इसमें बायो और हिंदी को देखना है, बायो और हिंदी को। तो बायो कहाँ है हमारा, बायो यहाँ है, हिंदी कहाँ है, यहाँ है, बायो यहाँ, हिंदी यहाँ। अब इस वैसे ही इसको भी करेंगे, इसमें भी दो मीडिएटर हमारा आएगा, तो बायो यहाँ, हिंदी यहाँ, पहले इस दोनों में देखेंगे हमारा कॉमन मीडिएटर कौन सा है। तो बायो यहाँ है, रीजनिंग यहाँ है, तो इस बायो को जोड़ने वाला पार्ट कौन है, इंग्लिश, और इस रीजनिंग को भी जोड़ रहा है कौन, इस रीजनिंग को भी इंग्लिश जोड़ रहा है, मतलब इंग्लिश इसमें भी है और इंग्लिश इसमें भी है। तो इंग्लिश का देख लिया कि ये क्या हमारा कॉमन मीडिएटर निकल गया। अब कॉमन मीडिएटर जब मिल गया तो अब अगला काम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। तो इसमें इंग्लिश का वैल्यू 50 है, इसमें भी इंग्लिश का वैल्यू 50 है, तो 50-50 का जो रिलेशन होता है वो गलत होता है। तो ये दोनों का रिलेशन नहीं बना, तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब यहाँ शुरुआत में जब हमारा गलत ये निकल गया तो आगे हमको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब स्टार्टिंग ही गलत है तो बाद में चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमारा ओवरऑल ये कंक्लूजन गलत निकल गया। तो समझ में आ गया होगा ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। जैसे कि आप चलेंगे, अब दूसरा जो पार्ट टाइप बताने वाले हूँ वो उसको कहते हैं री स्टेटमेंट। क्या होता है, री स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, री स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ही स्टेटमेंट को
पलट कर दूसरे तरीके से लिखना रीस्टेटमेंट कहलाता है। दूसरे तरीके से लिखना रीस्टेटमेंट देखते हैं। इस जैसे कि इसमें भी एक नोट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, रीस्टेटमेंट में क्या होता है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट मीन्स जिसमें नॉट नहीं लगा हो। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, ऑल यानी सभी या सम। सम का मतलब हो गया क्या, कुछ। कुछ का जो रीस्टेटमेंट होता है, कुछ का रीस्टेटमेंट केवल कुछ के केस में सही होगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। जैसे कि पहला स्टेटमेंट हम लेते हैं, ये सभी पेन पेज है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका होता है ऑल पेन आर पेज। अब दूसरा हम लेते हैं क्या, जैसे स्टेटमेंट है कुछ पेज इंक है, इसका हो जाएगा सम पेज आर इंक। तीसरा स्टेटमेंट लेते हैं हम, सभी इंक ब्लू है, मतलब ऑल इंक आर ब्लू। अब इसके कंक्लूजन पे हम चलते हैं। पहला कंक्लूजन है, सभी पेज पेन है, सभी पेज पेन है, मतलब ऑल पेज आर पेन। अब दूसरा कंक्लूजन है, कुछ पेज पेन है, मतलब क्या हो गया, सम पेज आर पेन। तीसरा कंक्लूजन हो गया क्या, सभी इंक पेज हैं, मतलब ऑल इंक आर पेज। अब चौथा है, कुछ इंक पेज हैं, कुछ इंक पेज हैं, मतलब सम इंक आ पेज। अब पांचवा कंक्लूजन है, सभी ब्लू इंक हैं, मतलब ऑल ब्लू आर इंक। कुछ ब्लू इंक है, मतलब इसका हो जाएगा सम ब्लू
आर इंक। अब देखिए, अब बताती हूँ री स्टेटमेंट कैसे देखें। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सभी पेन पेज है, सभी से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 100, और उसके बाद वाला क्या हो गया 50, मतलब ऑल से जो ऑल के साथ जो पार्ट जुड़ा होगा वो 100, ये हो गया 50। कुछ पेज इंक है, कुछ पेज इंक है तो कुछ से स्टार्ट वाला 50, ये भी 50। सम पेज आर इंक, सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50। सभी इंक ब्लू हैं, सभी हो गया 100, ये हो गया 50, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है तो 100, ये हो गया 50। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। जैसे कि रियल स्टेटमेंट आपको बताया, रियल स्टेटमेंट क्या, एक ही स्टेटमेंट को जब पलट कर हम दूसरे तरीके से लिखें, जैसे कि दिखाओ सभी पेज पेन है, मेरा सबसे पहले काम रहेगा पेज और पेन को देखना होगा। तो हम देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या है, सभी पेन पेज, मतलब पेज और पेन, तो यहाँ देखिए सभी पेन पेज है यहाँ पर स्टेटमेंट में। अब मेरा रियल स्टेटमेंट क्या लिखा है, सभी पेज पेन है, इसी को पलट के लिख दिया गया है, तो ये रियल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन तो रियल स्टेटमेंट के केस में कभी भी ये लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि रियल स्टेटमेंट का जो केस होता है हमेशा कुछ के केस में सही होता है, मतलब यहाँ अगर कुछ रहता तो सही है, मतलब सभी के केस में रियल स्टेटमेंट कभी सही नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। जैसे कि अगला स्टेटमेंट वैसे हमारा है कंक्लूजन, कुछ पेज पेन है। अब हम देखेंगे पेज कहाँ है, पेन कहाँ है, पेज यहाँ पेन यहाँ, इसी को पलट के लिखा गया है, लेकिन आगे में यहाँ क्या लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है। और मैंने बताया था आपको कि कुछ के केस में ही रियल स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरा कंक्लूजन, सभी इंक पेज हैं, सभी इंक पेज है, इंक देखेंगे और पेज देखेंगे, तो इंक यहाँ पेज यहाँ है, तो उसी को पलट के लिखा गया है, लेकिन ये पलट के लिखा गया मतलब ये रियल स्टेटमेंट हो गया। तो रियल स्टेटमेंट जो होता है वो कुछ के केस में सही होता है, तो यहाँ तो लेकिन सभी लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे कंक्लूजन पे। चौथा कंक्लूजन क्या है, कुछ इंक पेज हैं, इंक और पेज, इंक यहाँ है पेज यहाँ, तो इसी को पलट के लिखा गया, और यहाँ हमारा जो कंक्लूजन है वो कुछ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सही हो गया। अब चलते हैं पांचवे स्टेटमेंट पे, सभी ब्लू इंक है। अब ब्लू और इंक को देखेंगे कहाँ है, तो ब्लू हमारा कहाँ है, यहाँ है, इंक यहाँ है, इसी को पलट के लिखा गया है, तो पलट के लिखा गया उसी को रियल स्टेटमेंट कहते हैं। और रियल स्टेटमेंट जो है हमेशा कुछ के केस में सही होता है, यहाँ चाहे कुछ भी हो, सभी हो चाहे कुछ हो, लेकिन जो हमारा रियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो कुछ के केस में सिर्फ सही होगा, तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं लास्ट कंक्लूजन पे, क्या है, कुछ ब्लू इंक है, तो ब्लू और इंक, अच्छा यहाँ पे है इंक और ब्लू, अब हम लिखे हैं कंक्लूजन में लिखा हुआ है ब्लू इंक, मतलब पलट के लिख दिया गया है, तो ये हमारा हो गया रियल स्टेटमेंट। तो यहाँ अब रियल स्टेटमेंट केवल किसका कौन से केस में सही होता है, कुछ के केस में, ये कुछ के केस में, तो कुछ जो हो गया कुछ ब्लू इंक है, तो यहाँ ब्लू इंक हो गया और रियल स्टेटमेंट हो गया ये, लेकिन यहाँ कुछ से स्टार्ट है इसलिए हमारा ये रियल स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।